हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो टेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, सीवीटी वन ऑलमोस्ट तीनों का सेम होता है। सीवीटी वन में आपको रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस और साइंस देखने को मिलती है। तो मैं आज आपको मैथ, रीजनिंग और आरआरबी जेई के टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा जरूरी हैं और किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वही टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला है स्लोज्म। स्लोज्म आपके दो नंबर का आता है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ, ये हमारा तीन नंबर में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपको दो नंबर में देखने को मिलता है। क्लॉक की बात करूँ, ये भी दो नंबर का आता है। डायरेक्शन, ये दो नंबर का आता है। फिगर कटिंग और काउंटिंग, ये पांच नंबर का आपको देखने को मिलता है। वेन डायग्राम में एक आध क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। और ये आपके स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन्स और कोर्स ऑफ एक्शंस, ये पाँच नंबर के आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। कैलेंडर एक नंबर का आपको मिल सकता है। मैथ ऑपरेशन एक नंबर का। गैपिंग सीरीज एक नंबर की। तो ये 11 टॉपिक्स हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि आपको पता है कितने नंबर की हमारी रीजनिंग आती है, हमारी रीजनिंग 25 नंबर की आती है। तो 25 नंबर ही आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये तो बात होगी हमारी रीजनिंग के अंदर कि कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ अपनी मैथ की, देखो मैथ आप लोग ध्यान से समझना, मैथ में तीन पार्ट है। मान लो ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट है, सेकेंड हमारा मान लो अर्थमेटिक का पार्ट है और थर्ड हमारा एडवांस मैथ का पार्ट है। अब इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग डीपली पढ़ रहे होंगे। अब हमें ये देखना है भाई हमारे जो टॉपिक है कौन से टॉपिक्स पे कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, यही चीज़ मैंने एनालाइज की है और उसी के हिसाब से आपको सबसे पहले अपना टॉपिक कवर करना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बोर्ड मास हो गया और स्क्वायर रूट हो गया, एपी जीपी एचपी एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशनल इरेशनल, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा कहाँ से है, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक के अंदर, तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क पाइप सर्टेन और SICI, परसेंटेज, एज, मिक्सचर, एवरेज, ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से कम आपको 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस प्रकार पूछे जाते हैं ये भी मैंने आप सभी के लिए लिख दिया है। तो भाई टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम वर्क पाइप सर्टेन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, SICI से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये देखो ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन, लगभग आपका एडवांस जो है अर्थमेटिक से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूँ तो एडवांस मैथ में आपके लिए ये 4 टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, इनसे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो ये तो आपका टोटल ओवरव्यू हो गया कि भाई हमारा इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब इससे आपको फायदा क्या है, जो टॉपिक आपको नहीं आता है, यानी कि जो टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नंबर से पूछा जाता है, उन टॉपिक को आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो हमारी सीवीटी वन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई आरआरबी जेई में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है टेक्निकल का। तो टेक्निकल आपको पता है कितने नंबर का आता है, 100 नंबर का आता है और 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, मैंने सब्जेक्ट लिख रखे हैं ऑलमोस्ट 13 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 13 सब्जेक्ट हैं आपके। इन्हीं सब्जेक्ट से रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इसमें लगभग अभी तक 404 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, 382 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर मैं सोम की बात करूँ तो सोम में क्या है, 377 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसे बेसिक थर्मोडायनेमिक में आपके 318 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए अगर आपने 1 2 3 अगर 3 सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा हो गया, इतने ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने प्रायोरिटीज वाइज लिख दिया है कि भाई सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट खत्म करना है, फिर
फिर फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करनी है, फिर सॉम खत्म करना है, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। यानी कि मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई अपने टॉप 5 सब्जेक्ट चूज करो कि भाई सबसे पहले मेरे को इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनकी नोट मेकिंग करनी है और रिवाइज करना है और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो टॉप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो टॉप 5 कैसे करोगे कि भाई पहला तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, सेकंड हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉम हमारा 377 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थर्ड हो गया। ऐसे देखो मैकेनिक्स की वेटेज की बात करो 375 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। मशीन टूल की बात करें 264, वेल्डिंग में 252, मेटेरियल साइंस में 160, मेट्रोलॉजी में 140, हीट ट्रांसफर में 151, आरएसी में 133, हाइड्रोलिक मशीन में 91, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में 67। तो ये आपका वेटेज वाइज दे रखा है भाई अभी तक इतने क्वेश्चन हमारे इन इन सब्जेक्ट से पूछे जा चुके हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं परसेंटेज में कि भाई इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में लगभग आपको 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 13% आता है आपका, 100 में से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की। और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, ऐसे ही 100 में आपके 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, अगर मैं बेसिक थर्मोडायनेमिक में बात करूं, और 11 क्वेश्चन लगभग आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक में। ऐसे दोस्तों मैकेनिक्स में कितने 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मशीन टूल की बात करूं हमारे 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेल्डिंग में 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मटेरियल साइंस में आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेट्रोलॉजी में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हीट ट्रांसफर में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आरएसी में 4 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक मशीन में 3 क्वेश्चन और ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन बैठते हैं, 100 क्वेश्चन बैठते हैं। तो ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन लगभग ऐसा ही रहता है कि भाई इतने क्वेश्चन तो हमारे पूछे ही जाते हैं। अब देखो एक बात आपने सुनी होगी भाई कि आरआरबी जेई में जो हमारा प्रोडक्शन पार्ट रहता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो देखिए कैसे, ये हमारे प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स, तो आप वेटेज लगा लीजिए भाई। ये तुम्हारे जो पूछे जा रहे हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फ्लूइड मैकेनिक्स सॉम है ना, ये आपने आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर वेटेज लगा सकते हो कि भाई हमारे मशीन हमारे जो प्रोडक्शन के ये सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं 5 सब्जेक्ट में। कितने क्वेश्चन, 833 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 5 सब्जेक्ट के अंदर से। अगर मैं नॉर्मल पूछ जाऊँ कि भाई एक पेपर के अंदर लगभग 29 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोडक्शन से, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई पूरे 100 क्वेश्चन में से कितने में से 100 क्वेश्चन में से लगभग अगर 30 क्वेश्चन प्रोडक्शन से पूछे जा रहे हैं तो इसका वेटेज कितना हुआ, 30% वेटेज हुआ ही नहीं हुआ। यानी कि लगभग 100 में से 30 जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से पूछे जा रहे हैं, और प्रोडक्शन इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रोडक्शन पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लोग जो टॉप 5 सब्जेक्ट होंगे वो आपके पहले तो ये ख़त्म करो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फिर आप कंप्लीट करिए फ्लूइड मैकेनिक्स अपना, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आप अपना सॉम ख़त्म करिए। चौथे नंबर पर आप लोग क्या ख़त्म कर सकते हो, मैकेनिक्स ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक तो आपको आती होगी, बाकी के आप लोग ये तुम्हारे जो प्रोडक्शन का पार्ट है इनको अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।